we're not as tough as. वायरस वायरस वायरस, क्या आपने भी कभी सोचा था कि हम पाइथन कोड की मदद से वायरस बना सकते हैं? अगर सोचा था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी सोचा था तो अब सोच लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन कोड की मदद से वायरस बनाने वाले हैं। इसको हम लोग सिंपल फ़नी वायरस भी कह सकते हैं, जिससे हम लोग अपने फ्रेंड के साथ ये फ़नी वायरस प्रैंक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपना वायरस बनाना सीखते हैं। तो अभी मैं अपने पाइचाम कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर हम लोग टोटल दो वायरस बनाने वाले हैं, और दोनों वायरस यहाँ पर एकदम सिंपल कोडिंग से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग पहला वायरस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पाई ऑटो गुई मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा। तो टर्मिनल में जाकर हमें पाई ऑटो गुई मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए लिखना होगा पिप इंस्टॉल पाई ऑटो गुई, पाई ऑटो गुई। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे कुछ ही सेकंड में ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब इस मॉड्यूल को अपने स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट करना होगा। तो फर्स्ट लाइन लिखना है इंपोर्ट पाई ऑटो गुई। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का भी यूज़ करेंगे, तो इसको भी यहाँ पर हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए सेकेंड लाइन लिखेंगे इम्पोर्ट रैंडम। यहाँ पर दोनों मॉड्यूल हमारे स्क्रिप्ट के अंदर इम्पोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, और रेंज की जो भी यहाँ पर वैल्यू देंगे उतनी बार हमारा फॉर लूप चलेगा। यानी कि जो भी रेंज के अंदर वैल्यू देंगे वो आई की वैल्यू हो जाएगी, आई मतलब आइटम्स, और जितने आइटम्स की वैल्यू होंगे उतनी बार हमारा फॉर लूप चलेगा। ये मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर रेंज की वैल्यू देता हूँ 20। तो यहाँ पर आइटम की वैल्यू, आइटम मतलब क्या हो गया आई, तो यहाँ पर आइटम की वैल्यू क्या हो गई 20। इसका मतलब जो हमारा फॉर लूप है वो 20 टाइम्स यहाँ पर चलेगा। एंटर हिट किया, फॉर लूप के अंदर आ गए। अब इसके अंदर हमें हाइट और विड्थ देना ही है। हमारी जो सिस्टम की स्क्रीन है उसकी हाइट और विड्थ देनी होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वैसे ही आपको भी देना होगा। तो यहाँ पर हाइट दे देता हूँ, हाइट इक्वल टू, और यहाँ पर कैसे हाइट को आप यहाँ पर देंगे, यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। उससे होगा क्या अभी मैं आपको बताता हूँ। रैंडम के अंदर रैंड इंट फंक्शन होता है, उसको यूज़ करेंगे, और इसके अंदर आपको वैल्यू देना है जीरो से लेकर जो हाइट है हमारी स्क्रीन की। तो 0.1080, ये हो गई हाइट। अब इसी तरह हमें यहाँ पर विड्थ देना है, width, विड्थ इक्वल टू, सेम फॉर्मूला इसमें भी इस तरह करना है, रैंड इंट 0.1920। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने हाइट दी है और विड्थ दी है, इसकी जो एंगल है वो यहाँ पर हमने इसकी साइज दे दी है। तो यहाँ पर होगा क्या, जो रैंडम हमने मॉड्यूल का यूज़ किया है इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर रैंडम फंक्शन के अंदर हमने 0 से लेकर 1080 तक वैल्यू दी है। तो रैंडम वैल्यू क्या करेगा, कोई भी इन दोनों के बीच में से कोई भी एक वैल्यू को पिक कर लेगा। और इसी सेम तरीके ये विड्थ में भी होगा, ये 0 से लेकर 1920 के बीच में कोई भी एक वैल्यू को पिक कर लेगा, और जब दोनों वैल्यू रैंडमली पिक हो जाएगी तो एक एंगल बनेगा, तो उसी एंगल पे ये ऑटोमेटिक क्लिक होगा जिससे हमारा वायरस क्रिएट होगा। अभी आगे काम बाकी है, आगे देखिए हम लोग करते हैं, दो तीन लाइन का काम और है। अब यहाँ पर हमें पाई ऑटो गुई मॉड्यूल को कॉल करना है। तो यहाँ पर हमने पाई ऑटो गुई मॉड्यूल को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर माउस से क्लिक कराने के लिए ऑटोमेटिक हम यहाँ पर क्लिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे, यहाँ पर क्लिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या देना है, हाइट विड्थ देना है। तो यहाँ पे हाइट दे देते हैं, कॉमा विड्थ दे देते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम देना है हाइट विड्थ, और लास्ट हमें यहाँ पर ड्यूरेशन देना है कि कितने कितने सेकंड के बाद हमारा ये माउस अपने आप क्लिक होता रहा है हर एक एंगल पे। तो यहाँ पे ड्यूरेशन इक्वल टू 0.2 दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। लास्ट काम हमारा क्या होगा, देखिए इस लाइन से क्या हो रहा है, पाई ऑटो गुई डॉट क्लिक फंक्शन से यहाँ पर हमने हाइट दे दी थी, विड्थ दे दी थी, और रैंडम मॉड्यूल की मदद से इन दोनों के बीच में से कोई भी एक वैल्यू पिकअप करेगा, हाइट की एक पिकअप करेगा, विड्थ की पिकअप करेगा। जब दोनों हाइट और विड्थ मिक्स होंगे तो एक एंगल बनेगा, उसी पे एंगल पे जाकर ये पाई ऑटो गुई डॉट क्लिक फंक्शन काम करेगा, उसी पे एंगल पे जाके क्लिक होगा। तो ऐसे ही पूरे स्क्रीन में कहीं ना कहीं जाके ये क्लिक होता रहेगा, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ऐप खुलेगा, ब्राउज़र खुलेगा, कुछ ना कुछ इससे ओपन होता रहेगा, तो ये हमारा पूरा वायरस का फील देता रहेगा। लास्ट में हमें क्या करना है, जो भी ऐप ऑटोमेटिक खुल रहे हैं उनको ऑटोमेटिक मिनिमाइज़ कर देगा ये। तो कैसे करेगा, फिर से पाई ऑटो गुई मॉड्यूल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
इसके अंदर हॉट की फंक्शन होता है, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हॉट की फंक्शन के अंदर क्या करना है हमें, जब भी हम माउस, जैसे हमें ये चीज़ मिनिमाइज़ करना है पाई चैम को, तो हम यहाँ पे माउस का जो हमारी लेफ़्ट बटन है उसको क्लिक करेंगे। तो इसी तरह इसके अंदर भी हमें यहाँ पर देना होगा। तो स्ट्रिंग के अंदर हमें यहाँ पर देना होगा विन लेफ़्ट, बाहर आएंगे कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर हमें स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल एम देना है। स्मॉल एम का मतलब मिनिमाइज़, क्योंकि ये क्या होगा, जितने भी ऐप ओपन होंगे ऑटोमेटिक, इसको ऑटोमेटिक मिनिमाइज़ करता जाएगा। यहाँ पर हमारा ये पहला वायरस बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पर फाइनली रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, प्रोग्राम को रन करते ही हमारे देखिए डेस्कटॉप में अपने आप ऑटो क्लिक होने स्टार्ट हो गया है, ऐप अपने आप ओपन हो जाएंगे, ब्राउज़र ओपन हो जाएंगे, सब चीज़ यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, और लास्ट लाइन की वजह से जितने भी ऐप हो, जो भी ओपन हो रहे हैं, वो अपने आप मिनिमाइज भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप टोटल 20 टाइम चलेगा, क्योंकि फॉर लूप की रेंज हमने 20 दी थी। तो हमें लगता है यहाँ पे फॉर लूप की जो रेंज है वो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है। देखिए इसी तरह यहाँ पर सारी चीज़ें ये खोल कर रख देता है, तो ये हमें कुछ वायरस की तरह लगता है। देखिए अभी भी कुछ ना कुछ ऐप यहाँ पर खुलते जा रहे हैं। इसी तरह हमारा जो ये पहला वायरस है यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, सक्सेसफुली रन कर रहा है। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रेंज की वैल्यू कम दी थी, आप यहाँ पर रेंज की वैल्यू खूब ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और जब बढ़ा देंगे तो ये वायरस आपको और भी अच्छा लगने लगेगा। जब ये वायरस आप बनाकर तैयार कर लेंगे, तो आप यहाँ पर एक काम करिएगा, यहाँ पर जो फॉर लूप लगा है इसकी ये पूरी फॉर लूप हटा के यहाँ पर आप लिख दीजिएगा वाइल लूप चलाइएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा वाइल ट्रू, फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ रखिएगा, तब देखिए आपके वायरस और अच्छे बन जाएंगे। यहाँ पर हमारा पहला वायरस जो है बनकर तैयार हो गया है, इसकी छाप अभी तक नहीं छूटी है। देखिए कोई ना कोई एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। मैं इसको यहाँ पर कट कर देता हूँ सारी चीज़। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर सेकंड जो वायरस है उसको बनाना तैयार करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड वायरस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रोटेट स्क्रीन नाम का मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा, जिससे हमारा वायरस बनकर तैयार होगा। यहाँ पर रोटेट स्क्रीन, यहाँ पर न्यू टर्मिनल में आइए, उस पिप कमांड की मदद से इसको भी, इस मॉड्यूल को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें टर्मिनल में लिखना होगा पिप इंस्टॉल, और मॉड्यूल का नाम है हमारा रोटेट स्क्रीन। तो रोटेट स्क्रीन जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आपको भी लिखना है, रोटेट डैश स्क्रीन। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, कुछ ही सेकंड में ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ एक और न्यू टर्मिनल में आ जाइए, यहाँ पर आपको एक और मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है PyPIWIN32। इससे काम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले इंस्टॉल कर दूँ पिप इंस्टॉल PyPIWIN32। एंटर हिट किया, ये भी मॉड्यूल हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल क्या करेगा, ये मॉड्यूल हेल्प करता है जो हमारे विंडो की जो स्क्रीन है उसको कैप्चर करने में ये हेल्प करता है। अगर इस मॉड्यूल को आप यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा, ये वायरस आपका काम नहीं करेगा। तो इस मॉड्यूल को भी यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना होगा। तो टोटल हमने दो मॉड्यूल को इंस्टॉल किया है, पहला है रोटेट स्क्रीन, सेकंड है हमारा PyPIWIN32। यहाँ पर हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है। अब बारी है हमें इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की अपने स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट रोटेट स्क्रीन। यहाँ पर आपको जब इंपोर्ट करेंगे तो रोटेट स्क्रीन कुछ इस तरह लिखना है। अब जो हमारा जो सेकंड मॉड्यूल था PyPIWIN32, उसको यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करना है, खाली उसको क्या करना है, इंस्टॉल करके रखना है, जिससे हमारा एरर ना आए और वायरस हमारा सक्सेसफुली काम करे। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर टाइम मॉड्यूल को भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दोनों मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो रोटेट स्क्रीन हमारा मॉड्यूल है उसको यहाँ पर कॉल करेंगे। तो यहाँ पर रोटेट स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं। अब इसके अंदर गेट प्राइमरी डिस्प्ले फंक्शन होता है, उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसका काम क्या होगा मैं बताता हूँ। इसका काम ये होगा, जो भी हमारे पीसी की जो प्राइमरी स्क्रीन होगी उसको ये गेट करने में हेल्प करेगा। ये पहले इस फंक्शन की मदद से स्क्रीन को गेट कर लेगा, फिर उसी हिसाब से ये स्क्रीन को पूरे उल्टा सीधा एंगल में ये रोटेट करवाएगा। अब इन सारों को एक वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल डिस्प्ले नाम से बना लेता हूँ। तो हमने ये डिस्प्ले नाम से वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर हमारा गेट प्राइमरी डिस्प्ले फंक्शन स्टोर हो गया है। अब इस लाइन थर्ड लाइन से हमारा क्या होगा, जो भी हमारी पीसी की स्क्रीन होगी उसको ये गेट कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। अब यहाँ पर हमें फिर से फॉर लूप चलाना है। यहाँ पे हमें फिर से लिखना होगा फॉर आई इन रेंज,
और रेंज के अंदर मैंने आपको बताया दिया है जो भी वैल्यू देंगे उस हिसाब से हमारा फॉर लूप चलेगा। तो मान लीजिए रेंज के अंदर वैल्यू मैं दे देता हूँ 17। अभी यहाँ पर मैं कम कम रेंज दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें रन करके दिखा दूँ। आप बाद में जब इसको सीख जाएंगे आप इस रेंज की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, या तो फॉर लूप की जगह आप वाइल लूप चला देंगे, तब तो वायरस आपका एकदम ख़तरनाक हो जाएगा। नेक्स्ट आना है, नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना, सीधा जो वेरिएबल का नाम लिखा था ये वाला जिसके अंदर आपने गेट प्राइमरी डिस्प्ले फंक्शन को स्टोर किया है, उस वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है डिस्प्ले, और इसके अंदर आपको फंक्शन का यूज़ करना है डॉट रोटेट टू। अब रोटेट टू फंक्शन के अंदर क्या होता है, हमें एंगल देना होता है, जिस भी एंगल में हमें स्क्रीन को रोटेट करवाना है उसका एंगल हमें यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो हमारे स्क्रीन का एंगल होता है वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी एंगल दे देंगे तो उसी एंगल में हमारी स्क्रीन रोटेट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा जो स्क्रीन का रोटेट एंगल होता है वो होता है 0, 90, 180, 270, यहाँ पर इतना एंगल होते हैं 360 में से टोटल। यहाँ पर हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला देना है जिसके हिसाब से ये उन्हीं चारों एंगल में से रोटेट हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई मल्टीप्लाई बाई 90, तो हर बार ये आई की वैल्यू 90 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 0 होगी फिर 90 होगी फिर उसके बाद 180 होगी फिर 270, इस तरह होगी। और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 360 से, तो डिवाइड बाई 360, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। और ये कितनी कितनी सेकंड के बाद हमारा ये फॉर लूप काम करने लगे उसके हिसाब से हम यहाँ पे टाइम दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम डॉट स्लीप, यहाँ पे हमें सेकंड देना होगा तो हम यहाँ पे 1 सेकंड दे देते हैं। तो बस हमें और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमारा यहाँ पर सेकंड जो वायरस है वो भी बनकर तैयार हो गया है। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर सिंपल कोडिंग से हमारा वायरस बनकर तैयार हो जा रहा है। यहाँ पर मैं इसको फाइनली रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो वायरस है वो काम करना स्टार्ट कर दिया है, और धीरे धीरे देखिए हमारी जो स्क्रीन है वो रोटेट करवा रहा है। ये देखिए हर एक एंगल में ये अपने आप रोटेट होता जाएगा और ये पूरा एकदम वायरस की तरह लग रहा है। ये देखिए अपने आप यहाँ पर रोटेट हमारी पूरी स्क्रीन जो है अपने आप रोटेट होने लग रही है, और लग रहा है कोई वायरस आ गया है। तो अभी तो हमने यहाँ पर फॉर लूप की वैल्यू कम दी है, 17 दी है। मैं आपको जिस तरह पहले प्रोग्राम बताया था कि अगर आप प्रोग्राम को ही बनाना सीख जाएंगे, वायरस को बनाना अगर आप सीख जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर लूप की जगह वाइल लूप चला देना है। यहाँ पे आपको लिखेंगे वाइल और यहाँ पे उसकी वाइल की वैल्यू दे देंगे ट्रू, और यहाँ पे जितनी भी कंडीशन है इसको ऐसे सेम एज इट इज़ रखना है, तब देखिए आपका जो वायरस और ख़तरनाक हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वायरस बनाना बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे इसी तरह पाइथन से रिलेटेड वीडियोस आती रहे, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आते रहें, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।